इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम किया तो वो था कि उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। प्रेजेंट टाइम में सेंट जेवियर, लरेटो कॉन्वेंट स्कूल, बिशप कॉटन स्कूल, इनके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये स्कूल्स ब्रिटिशर्स ने ही एस्टेब्लिश किए होंगे। ये सभी स्कूल्स एक अच्छी एजुकेशन भी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो डीएवी 138 सालों बाद भी इंडिया की एजुकेशन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाकर खड़ा है। आखिरकार डीएवी का नाम आज भी अलग से क्यों लिया जाता है और डीएवी में दयानंद स्वामी जी का नाम क्यों आता है? डीएवी को क्या दयानंद जी ने एस्टेब्लिश किया था? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। 1885, आज से ठीक 138 साल पहले लाहौर में पहला डीएवी स्कूल स्थापित किया गया। और मैं आपको बता दूं कि डीएवी की फाउंडेशन दयानंद स्वामी जी ने नहीं रखी थी। एक्चुअल में डीएवी की स्थापना महात्मा हंसराज ने की थी, जो कि स्वामी दयानंद के ही एक फॉलोअर थे। उन्होंने स्वामी दयानंद की शिक्षा और विचारों को जिंदा रखने के लिए इस डीएवी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इस बात से आपको ये तो क्लियर हो गया कि डीएवी की स्थापना अंग्रेजों ने तो नहीं की है। लेकिन अब बात आती है कि स्वामी दयानंद में ऐसी कौन सी बात थी कि उनके नाम पर डीएवी जैसे इंस्टीट्यूट खोल दिए गए और वो इंस्टीट्यूट आज भी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक थे। आप सभी ने एक लाइन जरूर सुनी होगी, बैक टू द वेदास, ये नारा आर्य समाज ने दिया है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म की रक्षा करने में महान कार्य किया। क्या आपको पता है कि जब 19th सेंचुरी में हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्मों में शामिल हो रहे थे तो उस समय आर्य समाज एक ऐसी संस्था बनकर उभरी जिसने हिंदुओं को ये बताया कि उनकी सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट है। और स्वामी दयानंद के प्रयासों से ही हिंदुओं में उस समय आत्मसम्मान और आत्मगौरव उत्पन्न हुआ था। स्वामी दयानंद जी के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता है। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट मैनेजिंग सोसाइटी की स्थापना होती है और उस समय डीएवी का मेन मोटो हिंदू साहित्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देना था, साथ में वेदों की शिक्षा और इंग्लिश लिटरेचर और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना था। और कहीं ना कहीं डीएवी उस दौर में अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल भी हुआ है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया में 700 प्लस डीएवी स्कूल्स है और 75 कॉलेजेस है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि डीएवी कॉलेजेस और स्कूल्स इंडिया के बाहर भी ऑपरेट होते हैं, जिसमें सिंगापुर में डीएवी हिंदी स्कूल है, यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंगम में डीएवी का एक प्राइमरी स्कूल है, इवन यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हॉस्टन में डीएवी स्कूल है, इसके साथ मॉरिटस में डीएवी कॉलेज है। ये सब देखकर हम सभी को पता लग जाता है कि डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिया का नाम दूसरी कंट्री में भी बना रहे हैं। एक वो स्कूल जो इंडिया में इंडिया के अपने लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, जब वो स्कूल विदेशों में भी अपना नाम बना रहा हो ना, तो ये मूवमेंट पूरे इंडिया को एक प्राउड फीलिंग से भर देती है। डीएवी ने आज भी स्वामी दयानंद के नाम को उच्च स्थान पर रखा है। शायद इसी वजह से 138 सालों बाद भी डीएवी का नाम अलग से लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।